हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं मालपुआ का रेसिपी। ये बहुत ही यम्मी और लजीज सा दिख रहा है, ये खाने में भी इतना ही टेस्टी होता है। चलिए हम आप लोग को बताते हैं ये लजीज सा रेसिपी कैसे बनता है। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे। आप लोग को जिस हिसाब से जितना भी चाहिए मैदा, आप उस हिसाब से मैदा ले लीजिएगा। हमने इसमें 4 कप मैदा और इसमें इलायची और सौंफ डाल के इसको केला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हल्का हल्का फिर दूध डालेंगे। इसमें हल्का हल्का ही दूध डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसे बहुत देर तक मिक्स करना पड़ता है, इसे हल्का हल्का पानी दे के ही, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप मिक्स कीजिएगा। इसे अच्छे से चलाते रहिएगा, कोई भी गुठली या कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन हो जाना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब इसमें हम सूजी डाल देते हैं। सूजी डालने से ये कुरकुरा सा हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये मालपुआ है जिसमें हम चीनी मिक्स नहीं करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है अच्छे से। इसमें अभी भी गुठली है, इसे हम अच्छे से और भी मिक्स करेंगे। आप लोग भी ऐसे ही मिक्स कीजिएगा। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत सारे वीडियो हम लेके आते हैं आप लोग के लिए ऐसे ही, और इसलिए 1 घंटे तक कवर होने के लिए छोड़ दिए हैं। और हम यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 1 कप चीनी में 2 कप पानी डाल सकते हैं आप लोग जिस हिसाब से। हमें थोड़ा फीका चाहिए था चाशनी, इसलिए हमने 2 कप किया है। अगर आप लोगों को गाढ़ा चाहिए तो 1.5 कप ही पानी डालिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। देख सकते हैं सारा चीनी अच्छे से घुल चुका है और इसमें बॉईल भी आ चुका है। इसे हल्का सा पीला हो जाएगा ये पानी, उसके बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिएगा। हमारा चाशनी रेडी हो चुका है। अब ये 1 घंटे बाद देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा और स्मूथ हो चुका है। अब इस पर तेल गर्म करने के बाद हम इसमें डाल दिए हैं अच्छे से। ये फूल जाएगा क्योंकि मैंने इसे 1 घंटे तक अच्छे से ढक के रखा था। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये इसका फुला हुआ गया है, फूला फूला दिख रहा है। और मालपुआ तो फूला फूला ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही यम्मी लगता है। अगर इसमें गाढ़ा रहा तो वो अंदर से कुछ कुचा नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, इसलिए आप लोग वैसे ही कीजिएगा जैसे मैंने बताया है। ये देख सकते हैं हमारा रेडी हो चुका है। इसे एक बार और अच्छे से इसको चाशनी में डुबा देंगे। चाशनी में डुबाने के बाद ये देख सकते हैं कुछ टाइम बाद हमारा कितना ही यम्मी और टेस्टी दिख रहा है। आप लोग ज़रूर खाइएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा आप लोग को रेसिपी। मिलते हैं आप लोग।